सातवें नंबर पर, छठे नंबर पर है टोटल नंबर 115। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। फिर माया डूबा फिर ताली बजा रही है, आप झूठे लाड़े तारे अपोलो आज से खून बजाए काले को, काले को अपोलो बजाए। फाइनल रिजल्ट आ गया, छठे स्थान पर है 115, पांचवें स्थान पर है टोटल नंबर 70, पांचवें स्थान पर टोटल नंबर 70, चौथे स्थान पर देखो सर आपने था घोड़ा आपने लगा सके, उन्होंने था घोड़ा आपने लगा सके, घोड़ा आपने लगा सके, घोड़ा ने लगा लिया। बहुत बहुत चौथे नंबर टोकन नंबर चौथा स्थान, चौथे स्थान के पर है टोकन नंबर 81, 81 चौथे नंबर पे मारवाड़ी मिल्क टीट कॉल्ट में चौथे नंबर पे आया है ये कॉल्ट अशोक प्रत्येक शाम द्वारा ग्रुप द्वारा। और तीसरे स्थान पर इसके लिए पहले ताली बजवा लो ताकि बजे आगे नहीं करना पड़े, दो बार ताली बजाए अश्व नंबर 3 के लिए टोकन नंबर 60 गणेश जी गुजर, टोकन नंबर 60 आपके सामने से आएगा और दूसरे स्थान पर, पहले पहला बता दो या दूसरा बताऊं, दूसरा बताओ ताकि ब्रह्म बड़ी से रहे, थोड़ा सा भैया प्लीज। दूसरा नंबर पर है टोटल नंबर 62, पार सिंह जी नेनावा का ये 130 नंबर टोकन कॉल्ट विनर बना है इस चैंपियन का मिल्क टीट कॉल्ट रिंग शो, दो दांत बछेरा मारवाड़ी रिंग शो अश्व प्रत्येक शान द्वारा। आप बधाई बाहर आकर दे दो, घोड़े लगा दो, मोटी मोटा बिठाई लेवरा पे ऊपर जाए, आप रिंग में रथ बार कर अपनी सरलता का परिचय दे, रिंग में बता कर अपने सरलता का परिचय दे। मुबारक हो, वो आप नहीं करते लो जय माता दी की, हाँ आप नहीं करते लो जय माता दी की। पाठ सिंह जी क्या नाम है इसका बता दो, अरे आपका नाम बता दो, पाठ सिंह, इस कॉल्ड का नाम बताओ बच्चे का, दिखने में बहुत ही शानदार जो इसके तीन पैर पे वाइट है, एक तो ब्लैक है, नमस्कार बड़ी भाई, परफेक्ट जजिंग के साथ जीता ये कॉल्ट पार सिंह नेनावा का। हाँ ओके ओके आराम से।
फोटो लेते हैं। भरत भाई वो कैमरा तुम लाके चला लो ना, फोटो ले लो इसकी। कहाँ है कैमरा? लो लो आप लो। नाम क्या है? नाम क्या घोड़े पता नहीं है। कहाँ का? गुजरात नहीं, हैदराबाद। हैदराबाद का तो गले में। दुनिया में रिटर्न नहीं होता है, जब जीता देगा तो वो कोई स्टेलियन नहीं बनेगा। इस वीडियो में आप देख रहे हो फूल सिंह जी जायल, जिनका घोड़ा सेकंड आया था। उन्होंने दोबारा अपील करने के बाद यहां पे जजमेंट वापस किया जा रहा है। मेलकीत कॉल जनता सारी एक साइड जनता ना ये घोड़ा नहीं है, फिर पांच जज एक साइड होकर इसको बाहर निकाल देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता। पांच जज मिलके इसको जमा बाहर निकाल देते, जैसे आपने ये किया ना, जैसा ही होना चाहिए। आपको मेरी भी बात सुनो जी, आप कह रहे हो कि अगर जनता कहती है कि ये घोड़ा नहीं है, तो आप अगर सेकंड आ गए तो क्या वो घोड़ा नहीं है? नहीं नहीं, वो घोड़ा ही नहीं है। आपने सारा सिस्टम ये कर दिया, इसका मतलब सिस्टम नहीं। आप भी नहीं, हम तो कह रहे हैं सिस्टम नहीं का, हमने नहीं कहा हमारा सिस्टम। आप ही का यहाँ मेला है सारा, और आप ही का ग्रुप है सारा। ये मैं नहीं मानता हूँ जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। मेरी बात सुनो, इनकी शादी है, जनता ये नहीं है, जनता उसके सामने एक ही खड़ी रही। बोलो बोलो, जनता ये समझती है कि घोड़ा ही नहीं है वो, जनता इसके पास होगा। एक बात सुनो, आप बहुत शो जीते हो। मैं तो एक भी नहीं जीता, सो क्या जीता? जीता का मेरा घोड़ा बिल्कुल बाहर है। आज की बात घोड़ा ही नहीं है साहब, मैं जीता ही नहीं कभी। घोड़ा ही नहीं है, जनता कह रही है घोड़ा नहीं है, फिर रखने का फायदा क्या है इसका? यही घोड़ा, यही स्टेलियन है, यही घोड़िया क्रॉस होगी पूरी इंडिया की, इससे इसी घोड़े से घोड़िया क्रॉस होगी। यही स्टेलियन है और इसी को मानना चाहिए। आप सभी घोड़िया वाले हो, सब ब्रीड इससे करवाना। आप जो ये घोड़ा आया था ना, इससे ब्रीड करवाना आप।
कुछ नहीं है। एक चीज पूछता हूँ, जो यहाँ 40 घोड़े उतरे हैं वो क्या 800 पृथ्वी किसान के थे? नहीं थे। हमारे एक भी घोड़ा यहाँ पे नहीं, ठीक है ना? हमारे वॉलंटियर जो जिनका किसी का घोड़ा है, गुजरात हमारे कोई भाई भाई बन नहीं लगे? अगर हम 2 महीने से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पशुपालकों के लिए। वरना अगर इनको यहाँ ये गलती लगती है तो फिर वहाँ डिजर्व करके उतारो सरकारी रिंग में, जहाँ दान लिया आज तक पैसों के बलबूते पर होती आई और आगे होती रहेगी। आप मीडिया है, सही बताइए जो है। अगर मैं गलत हूँ तो गलत बताइए। अगर ये पब्लिक ने जो फैसला किया है वो सही लगता है तो आपको सही कह दीजिए, और लगता है 800 पृथ्वी ने अगर गलत किया तो नेक्स्ट टाइम पृथ्वीराज सिंह कहता है कि जिसको जो शो कराना कराए। ये कह रहा है संतुष्ट बिल्कुल। अगर हर बंदे का घोड़ा फर्स्ट आएगा तो सेकंड किसका आएगा, ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। और अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, चाहे वो काला हो चाहे बाड़ा हो टेढ़ा कैसा भी हो, सबका चलते हैं। बस मैं देता ही कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। दिल पर हाथ रखे कौन सा फर्स्ट लगता है, क्या लेने देने जो मीडिया की वीडियो यूट्यूबर्स करे मीडिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनट, चलो मीडिया न्याय कितनी करेगी? यहाँ खड़े हैं ये भी हमारे, खड़े जो भी कौन अब खड़े वो भी हमारे। सुनो मेरी, ये सरदार जी जो खड़े हैं भाई साहब, ये आप हमारे भाई हैं? भाई जो पीछे ग्रुप के बाहर ग्रुप ने जो हाथ ऊंचा कर दियो, जो ग्रुप में नहीं हाथ खड़ा उठा कर दिया। ग्रुप के कितने नहीं है? देखो एक मिनट, इस ग्रुप में 250 मेंबर है, मैं लिस्ट खोल दूं अगर उस मेंबर हमारे ग्रुप के अंदर है जो मेंबर है, एक मेंबर में वो 1000-1000 लोग रहते हैं, एक मेंबर के पीछे 1000-1000 लोग रहते हैं। हमारी बड़ी कमेटी बड़ी जब इतना घोड़े लेके आए लोग, भैया जो सही करेगा उसके साथ 1000 नहीं 1,00,000 होंगे। सीधी बात होगा तो आप जैसा आपकी मर्जी से करो, हम संतुष्ट नहीं है इस बात में। और जो आप मर्जी लगाओ, अगर हमें आपके साथ दान भी करनी होती तो हम आपके घोड़े को सेकंड भी फिर क्यों आने देते? मैं जीतू आप घोड़ो कर लो, मैं हमारी मीडिया में बात करूँ, मीडिया आप सही करो, न्याय करो, अन्याय करो आपकी मर्जी। किसने? हमने तो न्याय किया है वो सामने अरे ठाकुर तो काल ग्रुप के माने ठाकुर ग्रुप की फेस्ट आई काल पिता माके ग्रुप की थोड़ी आई फेस्ट काल ठाकुर ग्रुप की फेस्ट आई माके थोड़ी आई ग्रुप मैं बात करे ग्रुप की थोड़ी बताऊँ। इनका प्रोसेस क्या है? मेरा कोई किसने कराया? हमने इनका कहने का मतलब होना चाहिए हमारी सातों नंबर हमारी सातों नंबर दिया हमने हमारी पैसा नहीं होगा 800 किसान ये नहीं होगा। ये पैसा दे देगा सारा काम, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है पैसे का, लेने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। पैसा दे और उसका घोड़ा आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरे को पीछे सीट रहे फिर भी मेरे को पीछे लगा रहे। एक बार नहीं 1000 बार लगा दिया, पर गरीब लोग है वो यहाँ मत आना, सब पैसे वाला आना भाई। यहाँ गरीब लोग आने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब लोग आ गए तो वैसे ही घोड़े आपके बारे निकलते जाएंगे और रहते जाएंगे। तो कहीं भी हो देखो एक गल हो रहा दोस्तों, और मीडिया के भी बंदे खड़े हैं, इन्हों का भी कहना सही है भी उरे जनता निकल गई सी, जनता निकलने के बाद में जनता जनता से कोई वो नहीं होया फैसला। तो सूर सिंह का कहना है भी इन्हों के बंदे हैं, बंदे वाकई है भी थोड़े सी, ए कोई दो रहा नहीं इतने 15-20 लोग तो मीडिया के ही खड़े हैं। बताओ जनता कौन सी है यहाँ? बताओ आप जनता है क्या यहाँ? जनता कोई नहीं है, और गरीब की नहीं चलती है, पैसे वाले की चलती है। पैसे वाले का घोड़ा होगा, इस घोड़े का मालिक बहुत पैसे वाला है, इसकी वजह से इनका घोड़ा आ गया, ठीक है। हमारे पास चाहे घोड़ा हमारा सबसे पीछे कर दो, 1 रुपया ही देने के लिए नहीं है मेरे पास तो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। घोड़ा हमारा रिंग में लो मत लो, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी से हमारे को दो नंबर, मर्जी से मत दो, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। हम घोड़ों को दाना खिलाएंगे, इनको पैसा देंगे, ठीक है कि नहीं? हमारे पास पैसा नहीं भैया, तो आप हाथ जोड़ के विनती है, जो गरीब लोग हैं वो यहाँ इस मेले में मत आना। और रिंग कहीं होगी, सारे रिंग सारे लोग सब बराबर है, सब यही कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है भैया? मैं तो हाथ जोड़ के नींद कर रहा हूँ, लास्ट स्टैंड मेरा कहना है।